आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोबर्डो न्यूज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। सीसीएस पुलिस ने मिसाज सेंटर पर धमकाते हुए मामूल वसूल करने वाले तीन पुलिस कांस्टेबल के बशमूल चार मुलजमीन को किया गिरफ्तार, नकद रकम की गई बरामद। टू व्हीलर्स का सरखा करने वाला मुलजिम माधवपुर पुलिस के हाथों गिरफ्तार, 11 टू व्हीलर्स की गई बरामद। बालानगर में वाक़े केमिकल गोदाम में आतिशजदगी का वाक़या, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। SOTLB नगर ने जरदा तैयारी के गोदाम पर किया धावा, 15 लाख रुपए मालियती अशिया की गई जब्त। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने महकमे अक़लियती बहबूद के अहदेदारों के साथ मुनक़िद किया इजलास, फलाही स्कीमात की पेशरफ्त का लिया जायजा। देखते हैं खबरों की तफसील। सीसीएस पुलिस ने बावसूख इतला पर कार्रवाई करते हुए बंजारा हिल्स में वाक़े मसाज सेंटर से मामूल वसूल करने वाले तीन पुलिस कांस्टेबल्स और एक पुलिस इन्फॉर्मर को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 95,000 रुपये नकद रकम भी बरामद की गई। DCP CCS के मुताबिक बेगमपेट पुलिस स्टेशन से वाबस्ता हेड कांस्टेबल 57 साला खतीब अहमद, छतरियाका पुलिस स्टेशन से वाबस्ता 36 साला वेणुगोपाल, लंगारोस पुलिस स्टेशन से वाबस्ता 31 साला पी विजय बाबू के अलावा उनके साथी कैब ड्राइवर 25 साला बिशी कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। मस्कुरा टोली ने मसाज सेंटर्स में अपने आप को टास्क फोर्स ऑफिसर बताते हुए दाखिल हुए थे और भारी रकम भी तलब की थी, जिसके बाद मसाज सेंटर के मालिक ने उन्हें 1,35,000 रुपये रकम भी दी थी और साथ ही CCS में सिलसिले में शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी। माधोपुर पुलिस ने टू व्हीलर गाड़ियों के सरखे में मुलविस एक मुलजिम को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 11 टू व्हीलर्स बरामद किए गए। ACP माधोपुर डिवीजन के मुताबिक 28 साला टी नागार जुनास साकिन गौरीशंकर कॉलोनी बंजारा हिल्स मुतवतिन जिले खम्भम को गिरफ्तार किया गया। उसने एतराफ़ किया कि वह माधोपुर पुलिस स्टेशन हदूद में हुई 6 वारदातों के अलावा KPHB कर्नूल फोर टाउन जिले वरंगल और जिले खम्भम में हुई टू व्हीलर के सरखे की वारदातों में मुलविस है। माधोपुर पुलिस ने मुलजिम को जब्त शुदा अशिया के हमरा अदालती तहवील में दिया। ACP माधोपुर डिवीजन एन श्याम प्रसाद ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसीलात बताई। सुमारु 7 गंटल प्रांतंलो DI गारु सैदुलु आयन क्राइम स्टाफ लक्ष्मीनारायण गारु अक्रम DSI गारु मंसूर विजय कुमार रवींदर दास वीलु ई मध्य कालंलो इक्कड वेहिकल्स टू व्हीलर्स एक्कुव దొంగతనమవుతున్నాయని దాని మీద స్పెషల్ ఆపరేషన్స్గా ప్రతి వెహికల్ని చెక్ చేసుడు, ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ని పెట్టుకొని పాత ఆఫెండర్లను చెక్ చేసుకోవడం నిమిత్తం ఒక టాస్క్ తీసుకుంటున్నారు. దీంట్లో అయ్యప్ప సొసైటీలో చెక్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక వ్యక్తి పర్వత నగర్ నుంచి వస్తున్న FZ వెహికల్స్లో వెహికల్ నంబర్ AP 20 AR 2417 వస్తువు చూస్తే అనుమానంతో ఆయన ఆపితే ఆయన దగ్గర 2 RC కనపడ్డాయి. ఈ దీనికి ఒక కాపీ ఇంకో సంబంధించిన RC కనపడింది. అనుమానంతో ఈ ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ పెట్టుకున్నాను, ఇప్పుడు మాకు ఇచ్చారు ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్. ఫింగర్ ప్రింట్ ఆయన స్కాన్ చెక్ చేస్తే ఈయన పాత అఫెన్సెస్లో పోయినట్టు మేము గుర్తించాం. ఈయన పేరు తడికమల్ల నాగార్జున అలియాస్ నిఖిల్ అలియాస్ నాని. ఇంతకుముందు ఇదే పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి 10 అఫెన్సెస్లో పోయాడు. ఈయన ఈయన బంజారా హిల్స్ ఇక్కడ మాధాపూర్ ఇంకోటి జూబ్లీ హిల్స్ ఈ పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి పోయి జూలై 2014లో జైలు నుంచి బయటకు వచ్చాడు.
2014 నుంచి అప్పటి నుంచి మళ్ళా బయటకు వచ్చి మళ్ళా అదే విధంగా అఫెన్స్ చేసిన మొదలు పెట్టాడు. దీంట్లో ఈయనని పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకొచ్చి క్వశ్చనింగ్ ఇంటర్వ్యూషన్ చేస్తే 11 అఫెన్సెస్ లో ఉన్నాడు. ఈ 11 అఫెన్సెస్ లో మాదాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్, ఖమ్మంలో రెండు పోలీస్ స్టేషన్లు, కర్నూలు ఒకటి, కేపిహెచ్బి ఒకటి, వరంగల్ ఒకటి, టోటల్ 11 వెహికల్స్ రికవర్ అయినాయి ఈ పొజిషన్ నుంచి. సో ఈ మంచి పనిని మా క్రైమ్ స్టాఫ్, మా ఎస్హెచ్ఓ కలింగరావు గారి ఆధ్వర్యంలో ఆయన మా కొలీగ్స్ సైదులు ఆయన పార్టీని అభినందిస్తూ వాళ్ళకి కూడా రివార్డ్స్ ఇవ్వాలని ఉన్నతాధికారులకి మేము రికమెండ్ చేస్తున్నాం. بالانگر میں واقع کیمیکل ذخیرہ اندوزی کے گودام میں آتش زدگی حادثہ پیش آیا. مذکورہ واقعہ منگل کی صبح 6:30 بجے اس وقت پیش آیا جب کیمیکلز کی منتقلی کے لیے ایک لاری میں اسے چڑھایا جا رہا تھا. فوری طور پر آتش فرو عملے کو اطلاع دی گئی جس کے بعد 4 فائر انجنز نے مقامی واقعے پر پہنچ کر آگ کو قابو میں کیا. تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. اس واقعے کے سلسلے میں تاحال کوئی شکایت درج نہیں کروائی گئی ہے. رائے درگم پولیس نے کریڈٹ کارڈ کمپنی کو دھوکہ دیتے ہوئے کارڈز حاصل کرنے اور 7,33,000 روپے کی دھوکہ دہی میں ملوث ایک ملزم کو گرفتار کیا. تفصیلات کے مطابق 35 سالہ وی راما راؤ ساکن چکڑ پلی نے آدھار کارڈ، ووٹر شناختی کارڈ اور دیگر جعلی دستاویزات داخل کرتے ہوئے کسی اور کے نام پر کریڈٹ کارڈز حاصل کیے تھے اور ان کریڈٹ کارڈز پر بے حساب رقم بھی خرچ کی گئی. اے سی پی مادھوپور ڈویژن شیام پرساد راؤ کے مطابق ملزم نے 1,00,000 روپے رقم ایک چٹ فنڈ کمپنی میں بھی فکس ڈپازٹ کروائی ہے. اس سلسلے میں شکایت موصول ہونے پر کارروائی کی گئی. لنگر ہاؤس پولیس نے ایک خاتون کی شکایت پر ہمت پورا خلوت کے ایڈوکیٹ کے خلاف کیس درج کیا. سرکل انسپیکٹر لنگر ہاؤس کے مطابق 33 سالہ شہناز حسین نے کانگریس یوتھ لیڈر اور ایڈوکیٹ مرزا معظم بیگ کے خلاف جنسی ہراسانی اور سوشل میڈیا کے ذریعے ان کی کردار کشی کرنے کے الزام میں لنگر ہاؤس پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی تھی. تاہم مرزا معظم بیگ اپنے آپ کو ایڈوکیٹ بتلاتے ہوئے پولیس سے تعاون نہیں کر پا رہے تھے. 19 فروری کو پولیس نے مرزا معظم بیگ کو ان کے مکان سے حراست میں لیا اور پولیس اسٹیشن منتقل کیا گیا. لیکن ضمانت کی کارروائی کے دوران انہوں نے طبیعت خراب ہونے کی بات کہی جس کے بعد انہیں پریمیر ہاسپٹل رجوع کیا گیا جہاں سے ان کے رشتہ داروں نے سائی کرشنا ہاسپٹل منتقل کیا. سب انسپکٹر نے بتایا کہ ملزم مرزا معظم بیگ پولیس کی جانب سے ہراسانی کا الزام لگا رہے ہیں جو بالکل بے بنیاد ہے. دوسری جانب خاتون نے پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں سے اپیل کی ہے کہ انہیں انصاف دلا جائے. ایف آئی آر بک ہو گیا ہے تو ان کو اریسٹ کیا؟ ان کو اریسٹ کر لیے جیل میں ہے وہ ابھی. لیکن میرے کو یہاں پر میڈیا میں آ کے بولنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں ریکویسٹ کرتی ہوں پولیس ڈپارٹمنٹ سے کہ مجھے صحیح سے صحیح اچھا جسٹس کر سکے اور نیکسٹ ٹائم یہ بندہ یا میرے کو کیا کسی اور کو بھی اس طریقے سے نہ کر سکے, کیونکہ آلریڈی یہ کافی لڑکیوں کو اس طریقے سے ٹارچر کر چکا ہے جو میرے پہچانت میں ہے. لیکن وہ بس عزت کے خاطر اور کچھ فیملی ریزنس کے خاطر وہ لوگ پبلک میں آ نہیں سکے. اور میرا مطلب میرا پبلک میں آ کے اس کے اگینسٹ بولنے کا مطلب مقصد یہ ہے کہ میں برداشت نہیں کری اور میرے کریئر پہ میرے افیکٹ ہو رہا ہے, فیملی میں افیکٹ ہو رہا ہے, طرح طرح کے سوالے کر رہے ہیں. میں تو یہ کانگریس پارٹی سے بلانگ کرتے ہو؟ کانگریس پارٹی سے بلانگ کرے, کانگریس یوتھ کا اپنا لیڈر بتا لیتا ہے, پتا نہیں وہ اس کے اپڈیٹ سے معلوم ہوتا ہے, ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں. وہ ہر بار خالی کسی نہ کسی کے خالی پارٹیز میں دکھتا ہے, وہ خالی فنکشنز میں دکھتا ہے خالی, ایسا تو خود کی کبھی ایسا کوئی آرگنائز نہیں کرا ہے وہ. بس میرا ریکویسٹ ہے سب پولیس ڈپارٹمنٹ سے کہ کمشنر صاحب سے کہ مجھے پلیز سپورٹ کرے. اور اس کے جیسے کافی بندے ہوں گے شاید جو لڑکیوں کو پریشان کر رہے, جو ان لوگ کو بڑھاوا نہ ملے
और मैं और रिक्वेस्ट ये कर रही हूँ कि इसने मुझे इतना टॉर्चर किया है, मुझे मेरे पास बहुत सारे सबूत है जिस तरीके से उन्होंने मुझे टॉर्चर किया है, अगर ये चीज आगे इस तरीके से उन्हें करते रहा बस मैं है ना मैं बस सुसाइड ही कर सकती हूँ और कुछ नहीं, और उसका जिम्मेदार ये मौजम मिर्जा मौजम बेग रहेगा। बस आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग मेरा सही से सही जस्टिस कर लिया। स्पेशल ऑपरेशन टीम एलबी नगर ने बाबा सूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए पहाड़ी शरीफ पुलिस के इश्तराक से जरदाद तैयारी के एक गोदाम पर धावा किया। राचाकुंडा पुलिस कमिश्नर के मुताबिक गोदाम से 23 साल एक शख्स को हिरासत में लिया गया, जबकि 15 लाख रुपए मालियती जरदा और से तैयार करने वाली मशीनें और पैकिंग यूनिट्स को भी जब्त किया गया है। एसओटी के मुताबिक 23 साल मोहम्मद शाहनवाज साकिन सिकंदराबाद को गोदाम से गिरफ्तार किया गया, जबकि मजीद कार्रवाई के लिए उसे पहाड़ी शरीफ पुलिस के हवाले किया गया। कुल्लू में सारे मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के चारमीनार सैयद अहमद पाशा खाजी ने पत्थरघट्टी डिवीजन कॉरपोरेटर सोहेल महमूद खादरी के अलावा बलदी बरखी और आबरसानी अहदेदारों के साथ चारमीनार यूनानी हॉस्पिटल का दौरा किया, जहां उन्होंने लिफ्ट खराब होने के सबब अपने MLA फंड से 1 लाख रुपए देने का ऐलान किया। कबलदी यूनानी हॉस्पिटल में मुखीम तलबा तालिबात ने सुबह दारुसलाम पहुंचकर हॉस्टल में उन्हें बुनियादी सहूलतों की फराहमी का मुतालबा किया था और इस सिलसिले में नुमाइंदगी भी की थी। अहमद पाशा खादरी ने फौरी रद्दमल का इजहार करते हुए मुतालिका अहदेदारों के साथ चारमीनार हॉस्पिटल का दौरा किया। वाज रहे कि 3 साल कबल भी मजलिसी रुकन मुकन्निना अकबरुद्दीन ओवैसी ने दवाखाने को दरपेश मसाइल की यकसुई के लिए भारी रकम फंड्स के जरिए मख्तस की थी। हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कायद मुकन्निना मजलिस पार्टी ने हुकूमत से नुमाइंदे करके तकरीबन 4.5 करोड़ रुपये यहाँ के इमारत की तामीर और इसकी तदीन नो के लिए मंजूर कराए और वो काम यहाँ पर कोई काम पायदार नहीं हुआ, उतनी तामीर होने के बाद काम अधूरा हो गया, बजट की कमी है बोल के काम रुक के चले गए। होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत जो सो पहले तरजीह दे के इमारत की तामीर का काम शुरू करते और 1.5 साल का अरसा हो गया अब तक काम तकमील हो जाता था। उसके बाद के जो इमारतें बने मुख्तलिफ महकमों के वो इमारतों की तकमील हो गई मुकम्मिल हो गए और आयुष कमिश्नर से नुमाइंदगी करे तो उनके पास ये जवाब मिलता कि हम गुतियार के ऊपर एक्शन ले रहे हैं, हम उनको नोटिस दे रहे हैं। बहरहाल हम वक्तन फ़ौक्तन यहाँ दौरे करके जायजा लेंगे और हमारे पास कोई एकदम पूरे मसाइल हल होने के लिए कोई रास्ता नहीं है, इंशाल्लाह एक एक दो दो रास्ते। पानी की तकलीफ है यहाँ पे, पानी का सम बनाए हम MLA बजट से, यहाँ पर बहुत सारे काम कराए, रोड जलाए, यहाँ के ड्रेनेज की लाइन बनाए और हॉस्टल में 6 रूम एक्स्ट्रा G+1 था G+2 करे MLA बजट से काम करा के, लेकिन मजीद काम हम यहाँ पर करेंगे। हम भी चाहते हैं कि तिब्बे यूनानी के इस अजीम मरकज की तरक्की हो। रायनगर पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ शीतल ड्रॉप्स रिफाइंड ऑयल कंपनी में बरकी शॉर्ट सर्किट के सबब आतिशबाजी का हादसा पेश आया। मकामी आवाम ने फौरी फायर स्टेशन को मुतल्ला किया। फायर अमले ने फौरी मकामी हादसे पर पहुँच कर आग पर काबू पाया। कंपनी के मालिक की दरख्वास्त पर पुलिस रायनगर मकामी वाक़े पर पहुंची और इस सिलसिले में जब्ते की कार्रवाई अंजाम दी गई। दसगाह जहाद और शहादत तंजीम के कारकुनों ने दबीरपुरा पुलिस स्टेशन पर एक शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें उन्होंने शिकायत की है कि TNG नामी कंपनी के तैयार करदा पैम्पर्स पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम दर्ज किया गया है, लिहाजा शहर की दुकाना से मस्कुरा कंपनी का माल जब्त किया जाए। बाजा मस्कुरा तंजीम के तकरीबन कारकुनों ने DCP ऑफिस साउथ जोन पहुँच कर इस सिलसिले में एहतजाज किया और DCP से मुतालबा किया कि मस्कुरा पैम्पर स्टॉक को जब्त करवाया जाए। इस मौके पर तंजीम के सेक्रेटरी सलाउद्दीन के अलावा मोहम्मद बिन उमर और दीगर कारकुनान भी मौजूद थे। पंपर पैंट्स जो कंपनी पैम्पर्स बनाती, वो पैम्पर्स में एक उसका एक लोगो है कैट, उसके अंदर देखे तो आप साफ तौर पर नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र आ रहा। ये जानबूझकर किया जा रहा और ये पंपर्स शहर के तमाम बड़े स्टोर्स मेडिकल हॉल में दस्तियाब हैं। हम यहाँ
डीएस में भी कंप्लेन दिए और डीसीपी के पास भी कंप्लेन दिए और हम पुलिस से मुतालबा करते हैं ये लोगों को जहाँ जहाँ ये पंपर्स बिक रहे हैं वो माल जब्त करें और उनके ऊपर केस बुक करें और हम अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी को आसान बात समझ रहे, जो भी गुस्ताखी कर रहा उसकी सज़ा सिर्फ कत्ल है इस्लाम में, वो बच नहीं सकता, आज नहीं तो कल उसको सज़ा मिलेंगी ज़रूर। और ये जो जो पंपर्स बेच रहे हैं पुलिस से भी हम कहेंगे जल्द से जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई करें, अगर लापरवाही करेंगे तो शहर के जो भी हालात होंगे उसकी पुलिस जिम्मेदार रहेंगी। ना इंडिया और इसराइल एक साथ दोस्त बने हुए, दोस्ती गहरी हो गई वो लोगों की जो है सो, तो वहाँ से भी इंडिया अगर नहीं चाहिए बैन होना बोल के, अगर इंडिया बोली तो बैन होता है वो जो सो, इंडिया का काम है जो सो यहाँ की गवर्नमेंट का कि हमारे मुसलमानों के जज्बात मजरूह हो रहे हैं उसको जो है सो बैन कर देना चाहिए। पुरानी हवेली डबिलपुरा के नौजवानों की जानिब से एरिया पीएस डबिलपुरा एरिया एसीपी डिवीजन मिर्जी चौक और डीसीपी साउथ जोन कंप्लेन दिया गया। पेम्पर पैड्स जो पीएनजी कंपनी का ग्रुप है वो पैंट्स के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान में गुस्ताही कर रहा है और ये पेम्पर्स सारे शहर के अंदर दस्तियाब है। अफसोस की बात है कि दस्तियाब होने के बावजूद आज हम कंप्लेंट देने के लिए आए तो वहाँ पर डीसीपी साहब नहीं थे, लेकिन एरिया सर्कल को और एसीपी कंप्लेंट दिए हैं और ये हमारा डिमांड है कि कल तक तमाम की तमाम मार्केट से ये प्रोडक्ट हटा लिया जाए और ये प्रोडक्ट कल तक ना हटेंगे तो इसके बाद जो हालात होंगे शहर के उस हालात के जिम्मेदार वो दुकान वाले होंगे जो इस तरह के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और इसके बाद जिम्मेदारी पुलिस पर आयद होती है कि इस तरह के जो प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहे हैं दस्तियाब है। सोशल मीडिया के जरिए बात आम हो चुकी है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस पैंपर के अंदर मौजूद है। जो इस मुल्क के अंदर एहतजाज हुआ उसके बावजूद हैदराबाद की पुलिस इसके ऊपर कोई काम नहीं करी और आज हम कंप्लेन दिए और उम्मीद करते हैं कल तक ये प्रोडक्ट पैंपर्स इंशाल्लाह शहर हैदराबाद से और इस मुल्क के अंदर से ख़त्म हो जाएंगे। अगर दुकानों के अंदर कल ये पैंपर्स दस्तियाब रहेंगे उसके बाद जो हालात होंगे उसके जिम्मेदार वो दुकान वाले होंगे, वो कंपनी होंगी और हुकूमत होगी। हमारा ये मुतालबा है पुरजोर हुकूमत से कि ऐसे पैंपर्स को फौरन इस शहर से इस मुल्क से और इस दुनिया से हटाना चाहिए ताकि इस मुल्क के अंदर चैन सुकून हो और इस तरह की वाकयात अगर होंगे तो उम्मीद है कि अमन चैन सुकून नहीं रहेगा इस मुल्क के अंदर। अब क्या जानते हैं जानबूझ के करते हैं? ऐसा तो लग रहा है कि बिल्कुल जानबूझ के किया जा रहा है और ये कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले अगर हम देखेंगे तो जितने गुरु गुजरे यहाँ पे उन्होंने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की जाने में या अनजाने में और ये जो वाकया है हमें ऐसा लगता है कि जानबूझकर किया गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तो लिखा हुआ बाज़ाब्ता दिख रहा है, उसके साथ साथ मदीने गुम्मत की भी एक नक्श खींचा गया है उसके अंदर। इससे वाकई ये वाजे हो जाता है कि कोई इत्तेफाकी बात नहीं है बल्कि जानबूझकर एक साजिश की गई है। नज़र अला तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली ने सेक्रेटरीट में महकमे अखिलती बहबूद के अहदेदारों के साथ एक जायजा अजलास का इनेकाद अमल में लाया। अजलास में हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली फलाही स्कीम खासकर शादी मुबारक बैंक लिंक खर्जात की फराहमी रेजिडेंशल स्कूल्स में किए जाने वाले इकदाम पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने इस सिलसिले में अजलास में मौजूद अहदेदारों को ज़रूरी हिदायतें जारी की। नायब वज़ीरे आला मोहम्मद महमूद अली ने सेक्रेटरीट में महकूमी अखिलियती बहबूद के अहदेदारों के साथ एक जायज़ इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली फलाही स्कीमात और साल 2017-18 में मख्तस करदा बजट के अखराजात की तफसीलात बताईं। नायब वज़ीरे आला ने शादी मुबारक स्कीम के तहत दिए जाने वाले 75,000 रुपये की फरहमी से मुतालिक ज़ेरे इल्तवा दरख्वास्तों को फौरी तौर पर कबूल करने की हिदायत दी और नायब वज़ीरे आला ने इस बात की भी हिदायत दी कि 1,00,000 रुपये तक के बैंक लिंक खर्जात के तहत आने वाली दरख्वास्तों की भी यकसोई कर दी जाए और इस बात का ख्याल रखा जाए कि दरख्वास्त गुजार दफातर के चक्कर ना काटे। इस इजलास में सेक्रेटरी महकुमी अखिलियती बहबूद दाना किशोर, मुशीर खास बराए अखिलियती बहबूद ए के खान और दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। आइए देखते हैं फिर के बात की खबर। रियासी वजीर आबपाशी हरीश राव ने मरकजी वजीर अर्जुन नटराजन की ख्यालत में मुनक्किद होने वाले इजलास में हिस्सा लिया। बाजा उन्होंने बताया कि मिनिस्टर्स वाटर रिसोर्स का इजलास नहायत कामयाब रहा है।
اور اس اجلاس میں تبادلہ خیال کیا گیا ہے کہ دریائے کرشنا اور گوداوری سے پانی کی تقسیم تمام ریاستوں کو ان کی ضرورت کے مطابق کی جانی چاہیے اور تلنگانہ کو دونوں ندیوں سے پانی سربراہ کرنے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیر آبپاشی ہریش راؤ نے مرکزی وزیر ارجن نٹراجن کی قیادت میں منعقد ہونے والی میٹنگ میں حصہ لینے کے بعد بتایا کہ منسٹرز واٹر ریزروس کا اجلاس جس میں تلنگانہ کے علاوہ آندھرا، کیرلا اور دیگر ریاستوں سے وزراء اور محکمہ آبپاشی کے عہدیداروں نے شرکت کی ہے، یہ اجلاس ہر لحاظ سے کامیاب رہا کیونکہ خوشگوار ماحول میں تبادلہ خیال کرنے کے علاوہ کئی ایک اہم امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا اور کئی ایک تجاویز پر تمام ریاستوں کے عہدیدار متفق رہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس اجلاس میں اس بات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا کہ کرشنا اور گوداوری ندی سے پانی کی تقسیم تمام ریاستوں کو ان کی ضرورت کے لحاظ سے سربراہ کی جائیں گی۔ انہوں نے بتایا کہ آج کے اجلاس میں کالیشورم پروجیکٹ کو قومی درجہ دینے کا مسئلہ زیر بحث نہیں آیا۔ اپوزیشن قائد قانون ساز کونسل محمد علی شبیر نے ولایت تلنگانہ کے چندرا شیکھر راؤ سے سوال کیا ہے کہ مسلمانوں کو 12% تحفظات اور قبائلی عوام کو 10% تحفظات دینے کی فائل کا کیا ہوا، اس سلسلے میں وہ وضاحت کریں۔ اور بتایا کہ میڈیا کے ذریعے یہ خبریں گشت کر رہی ہے کہ مرکزی حکومت نے ان قراردادوں کو مسترد کرتے ہوئے ریاست کو واپس کیا ہے، تاہم اس سلسلے میں وزرالہ کو وضاحت کرنی چاہیے۔ اپوزیشن لیڈر خان ساز کونسل محمد علی شبیر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ سے سوال کیا کہ میڈیا کی جانب سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ مسلمانوں کو 12% اور قبائلی اقوام کو 10% تحفظات دینے کے معاملے میں اسمبلی اور کونسل میں متفقہ طور پر بل منظور کرنے کے بعد مرکز کو روانہ کیا گیا تھا، تاہم مذکورہ بلوں کو مرکز نے بغیر کسی تیخون کے روانہ کر دیا۔ کیا میڈیا کی یہ اطلاعات صحیح ہیں یا نہیں، اس کا جواب دیا جائے۔ محمد علی شبیر نے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ سے کہا کہ مسلمانوں کو تحفظات دلانے کے لیے وہ دہلی کے جنتر منتر پر کب دھرنا منظم کریں گے، اس کی بھی وضاحت کی جائے تاکہ کانگریس قائدین اس احتجاج کی تائید کر سکے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے صرف مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ ریاست کی عوام کو بھی جھوٹے وعدوں کے ذریعے دھوکہ دیا ہے۔ تر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی اتم کمار ریڈی کی قیادت میں پارٹی قائدین کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اجلاس میں ریاست بھر میں بوتھ سطح پر کمیٹیوں کی تشکیل کے علاوہ 24 فروری سے صدر تلنگانہ پی سی سی اتم کمار ریڈی کی جانب سے نکالے جانے والی بس یاترا سے متعلق کئی تجاویز پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی اتم کمار ریڈی کی قیادت میں پارٹی قائدین کے ساتھ ایک اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا گیا جس میں ورکنگ پریسیڈنٹ بھٹی وکرمارکا، رکن اسمبلی رام موہن اور دیگر بھی موجود تھے۔ اس اجلاس میں ریاست بھر میں بوتھ سطح پر کمیٹیوں کی تشکیل کے علاوہ 24 فروری سے صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی اتم کمار ریڈی کی جانب سے چیوڑلا سے نکالی جانے والی بس یاترا سے متعلق پارٹی قائدین نے صدر پی سی سی کو کئی ایک تجاویز پیش کی اور اس پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اتم کمار ریڈی نے بتایا کہ ریاست بھر میں پارٹی کو مستحکم کرنے کے لیے انہوں نے اس بس یاترا کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نائب صدر نشین ڈرنکنگ واٹر پرشانت ریڈی نے عہدیداروں کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ ریاست بھر میں پینے کے پانی کی سربراہی کو موسم گرما میں ممکن بنانے کے لیے تمام تر اقدامات کرے، خاص کر دیہاتوں پر خصوصی توجہ مرکوز کرنے کی ہدایت دی گئی۔ ضلع رنگاریڈی مہیشورم منڈل میں راجیو جیمز پارک جو فی الحال گیتانجلی جیمز کے نام سے چلائی جا رہی تھی، اس پر انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ اور بینکس عہدیداروں نے دھاوا کیا۔
इस कंपनी को मुहरबंद करते हुए डायमंड और गौतम ज्वेलर्स को जब्त किया गया। राजीव जेम्स पार्क में 900 मुलाजमीन बरसर खिदमत थे। अचानक मुहरबंद करने के बाद मुलाजमीन ने धरना दिया, उनके साथ इंसाफ करने का मुतालबा भी किया गया। ज़िला विकाराबाद के परगी में हाई टेंशन वायर को हाथ लगाने की वजह से दो खवातीन और एक मर्द की मौत वाक़ हुई। तफसीलात के मुताबिक 60 साल रामचंद्रमा बर्की वायर को छूने पर उनकी मौत वाक़ हुई। तब उन्हें बचाने के लिए 45 साल लक्ष्मी और शेखर भी वहां पहुंचे, जो इस शॉर्ट सर्किट का शिकार हुए। तीनों नाशों को परगी के सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया। పిల్లలకు పోయి ఏమైనా కరెంట్ షార్ట్ వచ్చింది, మేము ఆంటర్ కొట్టింది ఒకరు లక్ష్మి వచ్చి మన లక్ష్మి పైన గుందని పోయింది, ఆమె కొట్టింది. అయితే వీళ్ళందరూ పిల్లాడు చేసి పిల్లాడు పోయింది, పిల్లాడు గుందని పిల్లాడు కూడా షార్ట్ వచ్చి ఇదైంది. तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग और तरबियत देने की गर्ज से कराटे चैंपियन सैयदा फलक को मदद किया गया है। आसिफ नगर में वाक़ गर्ल्स रेजिडेंशियल स्कूल में सैयदा फलक ने तालिबात को इस सिलसिले में तरबियत फराहम की। इस मौके पर स्कूली असातिज़ा के अलावा दीगर भी मौजूद थे। साउथर्न टास्क फोर्स टीम ने रैन बाज़ार के इलाके में वाक़ एक घी तैयारी के यूनिट पर धावा किया और वहां से तकरीबन 2500 किलो मिलावटी घी बरामद किया गया। तफसीलात के मुताबिक एक शख्स रईस को वहां से गिरफ्तार भी किया गया। साउथर्न पुलिस के मुताबिक ये कारोबार इस इलाके से चलाया जा रहा था जहां पर रैन बाज़ार का इलाका वाक़ है। इस सिलसिले में रईस नामी शख्स को गिरफ्तार करते हुए जुमला 10 लाख रुपए मालियती मिलावटी घी बरामद किया गया। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथर्न टीम और रैन बाज़ार लैंड ऑर्डर पुलिस दोनों टीम जॉइंट ऑपरेशन कर रहे हैं। ये रैन बाज़ार लिमिट्स में एक इलीगल घी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हम लोग के ऊपर हम लोग रेड करें, जिसमें 2500 किलो का घी जो एडल्ट्रेटेड है, यानी ये खाने लायक नहीं है, फिर भी ये लोग थोड़े डिस्कार्डेड मटेरियल यूज़ करके, यानी जो खाने लायक चीज़ नहीं रहता वो मिला के एक थोड़े क्वांटिटी में बड़े विजल्स में ये बर्न करके यानी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कोशिश कर रहे थे। ये कई दिन से चल रहा है। ये हम लोग ये जगह पे रेड करें, जब हमें 2500 किलो का ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड घी मिला, वो पैकेटों में तैयारी करके पैक करके है, और इसके साथ वो घी तैयार करने के लिए जो रॉ मटेरियल जो रहेगा वो बटर, वो भी डिस्कार्डेड था, जिनका जो एक्सपायरी डेट खत्म होने के बाद वो खाने लायक नहीं रहते, वो जिसको फेंक देना है। ये आदमी एक जना ये यहाँ पे कर रहा है, वो प्रोक्योर करके एक जगह पे स्टॉक कर रहा था, और उसके साथ हम पाम ऑयल का टिन्स और आखिर में हम खबरें एक बार CCS पुलिस ने मिसाज सेंटर पर धमकाते हुए मामूल वसूल करने वाले तीन पुलिस कांस्टेबल के बशमूल चार मुलजमीन को किया गिरफ्तार, नकद रकम की गई बरामद। टू व्हीलर्स का सरखा करने वाला मुलजिम माधवपुर पुलिस के हाथों गिरफ्तार, 11 टू व्हीलर्स की गई बरामद। बालानगर में वाक़ केमिकल गोदाम में आतिशबाजी का वाक़या, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। SOTLV नगर ने जरदा तैयारी के गोदाम पर किया धावा, 15 लाख रुपए मालियती अशिया की गई जब्त। नायब वज़ीर-ए-आला मोहम्मद महमूद अली ने महकुमी अक़लियती बहबूद के ओहदेदारों के साथ मुनक़िद किया इजलास, फलाही स्कीमात की पेशरफ्त का लिया जायजा।
اسی کے ساتھ اردو میں یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں. ریاستی قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے. ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیتے ہیں کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہو. السلام علیکم.